हेलो दोस्तों, तो आज हम बताएंगे आप स्कॉलरशिप ऑनलाइन करते हो और ऑनलाइन करने के बाद दोस्तों लॉगिन करते हो तो आपको जो पासवर्ड है वो प्रॉब्लम आती है स्मॉल या कैपिटल में, ठीक है ना दोस्तों। तो वही जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा जो यूपी स्कॉलरशिप की है, और आने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा स्टूडेंट पर। जैसे कि मैं स्टूडेंट पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा फ्रेश पे। तो जैसे कि दोस्तों मैं फ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ, और फ्रेश पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इधर की साइड से, प्री मैट्रिक यानी 9th और 10th का, और इंटरमीडिएट दोस्तों 11th-12th का, और पोस्ट मैट्रिक यानी ऊपर की जो भी हमारी क्लासें हैं उन सभी के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें दोस्तों प्री मैट्रिक का अभी लॉगिन करके मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम रजिस्ट्रेशन नंबर को एक बार फिल कर देते हैं, और जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर DOB, तो दोस्तों जो सबसे पहले हम अब इसमें फिल करना होगा जो DOB कैंडिडेट की जन्मतिथि। तो हम जैसे कि हमने यहाँ पर कैंडिडेट की जन्मतिथि है वो इसमें एक बार फिल कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और फिल करने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं पासवर्ड की। तो पासवर्ड आप जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया है वो ही इसमें फिल करना होगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं दोस्तों कि हम स्मॉल में भरते हैं और यहाँ पर आपको कैपिटल में देखने को मिलता है। तो जैसे कि दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हमने कीबोर्ड को चेंज कर लिया है, आप देख रहे होंगे कीबोर्ड की तरफ भी, और यहाँ पर हमने कीबोर्ड को चेंज कर दिया और स्मॉल में हमारा कीबोर्ड है वो हो चुका है। कैपिटल में हमने पहला अक्षर है वो ले लिया है, और उसके बाद हम जब दोस्तों आप हम पहला अक्षर हमने ए बनाया, तो आप जहाँ पर देख रहे होंगे स्मॉल में कैपिटल में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि मैंने एस बनाया और ए बनाया और एन बना के फिर भी यहाँ पर आपको कैपिटल में दिखाई दे रहा है, और एन जे ए वाई आपको सारा कुछ कैपिटल में ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपका कीबोर्ड यहाँ से कीबोर्ड अगर कैपिटल में है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपको कीबोर्ड को स्मॉल में ही करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। चाहे आपको यहाँ पर देखने में कैपिटल में क्यों ना मिले, ठीक है ना दोस्तों, उससे आपको कोई भी टेंशन नहीं है, बस आपके कीबोर्ड पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना दोस्तों। कीबोर्ड आपका स्मॉल में ही होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर @ जो भी आपने पासवर्ड बनाया है और उसको यहाँ पर लेकर और इस कैप्चा कोड को इसमें क्लिक करेंगे हम, और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इतना सारा डाटा फिल करने के बाद दोस्तों जब भी आप आगे बढ़ेंगे, तो सारा डाटा फिल करने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा इस कैप्चा कोड पर। तो जैसे कि दोस्तों हम इस कैप्चा कोड को भी फिल कर देते हैं एक बार और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो स्कॉलरशिप का डेस्कटॉप है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको पासवर्ड बता पड़ गया होगा दोस्तों कि किस तरह से हमें स्मॉल में या कैपिटल में पासवर्ड है वो डालना होगा, ठीक है ना दोस्तों। आपका कीवर्ड चेंज करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। जो भी आपका कीबोर्ड है स्मॉल में है या कैपिटल में है उसे चेंज करना होगा, उसी पर आपको ध्यान देना होगा, ना कि दोस्तों आप डालते हो उस जगह आपको कैपिटल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर समझ में आया तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप फॉर्म अपने मोबाइल से भरना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप को यहाँ से